टोल दर टोल पार करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा निकल चुकी हैं लखीमपुर के लिए। लखनऊ से लेकर खैराबाद टोल जहां इस वक्त हम मौजूद है, कई दफा उनको रोका गया। फोर्स भी आपने देखी मेरे पीछे जिस तरह से थी, डीएम एसएसपी सब यहां पर मौजूद थे, पर एक बार फिर वो विफल हुए और प्रियंका गांधी एक दूसरा कट लेकर लखीमपुर के लिए निकल गई। यहां पर ट्रक्स का जमावड़ा पूरी तरीके से कर दिया गया था और आप देख सकते हैं मूवमेंट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अब इन लोगों को किसी और लोकेशन पर मूव करना है जिससे वो प्रियंका गांधी वाड्रा को लखीमपुर पहुंचने से रोक पाए। काफी देर से सब यहां जमे थे पर इन्फो एक तरह से गलत साबित हुई, और क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी गाड़ी से दूसरे रास्ते से लखीमपुर के लिए निकल गए। 2:30 बजे का समय हो गया है, हम लहरपुर इलाके में खड़े सीतापुर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस यहां पर लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी को रोका जा सके। लहरपुर इलाका ये पड़ता है खैराबाद टोल के नजदीक और यहाँ से सीतापुर लगभग 30-35 किलोमीटर दूर माना जाता है। और देख सकते हैं फोर्स यहाँ लगातार रही है, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां घूम रही हैं, पर कंक्लूजन पर यूपी पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। 10 जगह से कम गाड़ी आगे जाके यू टर्न ले चुकी है। इन्फो हर बार गलत साबित हो रहा है। प्रियंका गांधी किसी न किसी तरीके से बच के निकलती जा रही है और लखीमपुर की तरफ अग्रसर है। 3:15 बजे का समय हर गाँव में आप देख सकते हैं, सीतापुर के हर गाँव में उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, चाहे ट्रक हो चाहे रोडवेज की बसेस हो। आप देख सकते हैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके, रात का 3 बज रहा है और अभी भी चेकिंग चल रही है कि किसी तरीके से पता लगाया जाए कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा किस रास्ते से, किस सुरंग से लखीमपुर की तरफ निकल पड़ी हैं। 3-4 घंटे से ये पूरा जो हंट है चल रहा है। आप देख सकते हैं ट्रक के अंदर के विजुअल्स एक्सक्लूसिव आज तक पर, और आज तक लगातार ट्रैक कर रहा है जब से प्रियंका गांधी का काफिला निकला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, जो जो ट्रक्स यहाँ से निकल रही हैं, जितनी यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं और जितनी बसेस निकल रही हैं सबकी चेकिंग हो रही है। आप देख सकते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं और पुलिस के भी लोग हैं। गेट खुलवाया जाता है और अंदर पूछताछ होती है कि कौन है, और ये भी चेक किया जा रहा है कि कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा किसी ट्रक के अंदर तो मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में अक्सर बाइक पर निकल जाती हैं। तो उनके इस अंदाज को क्योंकि पुलिस समझती है और जैसे कि ऑर्डर्स मिले हैं उनको रोकने के, उसको फॉलो करते हुए लगातार कार दर कार, ट्रक दर ट्रक और बस दर बस लगातार धरपकड़ जारी है। इस वक्त हम सीतापुर में मौजूद हैं और इस वक्त लगभग 4 बज रहा है और प्रियंका गांधी की सुरक्षा के कुछ लोग यहां पर मिले हैं। ये सब प्रियंका गांधी की सुरक्षा में रहते हैं और अभी ये लोग सीआरपीएफ में पोस्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर, और प्रियंका गांधी पर इनका मानना है, इनका कहना है कि प्रियंका गांधी फिलहाल यहाँ से निकल गई हैं और किसी और गाड़ी से निकली हैं। उनका नंबर भी इनके मुताबिक स्विच ऑफ जा रहा है। तो सवाल यह है कि प्रियंका गांधी की आधी सुरक्षा सीतापुर के इस इलाके में है, तो अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी के पास कितनी सुरक्षा है और क्या प्रियंका गांधी के पास सुरक्षा है भी या नहीं, प्रियंका गांधी या फिर अकेले कुछ कांग्रेस लोगों के साथ लखीमपुर की तरफ निकल चुकी है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ लगातार, हर गाँव यह एरिया है सीतापुर का जहाँ यूपी पुलिस भी लगी हुई है, और इसी बीच में गाड़ी आती है जिसमें प्रियंका गांधी की सुरक्षा के कुछ लोग निकलते हैं पर प्रियंका गांधी उसमें नहीं होती हैं। तो जो एक अनसुलझी सी मिस्ट्री है वो और उलझती जा रही है। पिछले 5 घंटे से लगभग यूपी पुलिस का ये हंट जारी है।